अगर आप किसी भी YouTube चैनल या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर उससे आप नहीं सीख रहे हैं आप हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर, तो आज का वीडियो देखिए और लाइफ टाइम के लिए नॉमेनक्लेचर को सीख लीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल मैथ भूकंप से और बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए इस वीडियो को ढेर सारी प्यार मोहब्बत और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसे ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर। इन ऑर्गेनिक की भी नॉमेनक्लेचर होती है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर को। तो ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, कार्बनिक यौगिक के नामकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आएगी कार्बन का नाम, क्या आएगी हमारा कार्बन का नाम। जैसा कि हम लोग को कार्बन का नाम पता होना चाहिए था अगर आप 11th के हैं, यदि आप 12th के हैं या आप 10th के हैं, तो आपको जरूरी है नॉमेनक्लेचर को जानना, आपके लिए जरूरी है। या आप किसी भी पार्ट वन का क्यों ना हो, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू फोर या एमएससी का भी हो, किसी भी क्लास के आप है, तो आपके लिए नॉमेनक्लेचर को जाना जरूरी है यदि अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो। इसलिए हमारे चैनल पे नए नए वीडियो को आप लोग देखते रहिए और खास किस नॉमेनक्लेचर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में आपको अनुभव होगा कि इतनी आसानी से आपको नॉमेनक्लेचर मिल गया है कि आप लाइफ टाइम तक लाइफ नॉमेनक्लेचर को आप लोग याद रख पाइएगा। तो हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की पहले चार स्टेप को। तो पहले स्टेप में जो है आप लोग को जानना है कार्बन का नाम, क्या जानना है कार्बन का नाम। देखिए कार्बन का नाम जानना है, साथ में एक बात और जान लीजिए कि दुनिया में जो भी वस्तुएं बनी है सभी के अंदर कार्बन है। अगर आज के दिन में कार्बन की हम कल्पना छोड़ दे, कार्बन की बात करना हम छोड़ दे, तो आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये दुनिया की बात करना हम छोड़ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में क्या है, हमारा कार्बन है। हमारा शरीर बना है, शरीर कैसे बना है पता है ना, इंसान का शरीर जो है जैसे बॉडी हमारा है कई अंगों से मिलके बना है, और हमारा जो कई अंग जो है वो उत्तकों से मिलके बना है, और जो हमारा उत्तक है वो कोशिकाओं से मिलके बना है। कोशिकाओं के अंदर होते हैं डीएनए, कोशिकाओं के अंदर होते हैं कोशिकांग, और उस डीएनए के अंदर जो है बहुत सारे जो है सब्टांस होते हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड करके जो होते हैं, जिसको नाइट्रोजन क्षारक कहा जाता है, जिसमें आप लोग आता है एडिनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन आते हैं। इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं कार्बन है, और इन कार्बन से ये फास्फेट कार्बन से मिलके बना होता है। तो कह सकते हैं कि कार्बन की कल्पना अगर हम नहीं करेंगे, कार्बन के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो इस दुनिया के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। प्रत्येक वस्तु में कार्बन है, प्रत्येक वस्तु के अंदर कार्बन निहित है, और कहा भी जाता है कि कार्बन से संसार की जो कार्बन है, कार्बन से संसार बने हुए हैं। तो कार्बन हर वस्तु में है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग कार्बन के बारे में जाना है तो कार्बन का नाम जो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कार्बन से बने हैं, हम पूरे वस्तु कार्बन से बनाए हुए हैं, हम जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, हमारे दिनचर्या में जो वस्तु उपयोग में आते हैं, सबके अंदर कार्बन है। अगर सबके अंदर कार्बन है तो कार्बन की बात करना भी क्या है, जरूरी है, समझे। तो हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की नाम को बात नाम के लिए के बात करते हैं। तो अगर कार्बन का संख्या अगर एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथ या मेथ, हम लोग हिंदी में लिखेंगे, टोटली हिंदी में इसलिए लिखेंगे, इससे पहले हम लोग अंग्रेजी में एक वीडियो डाले हुए हैं नॉमेनक्लेचर के। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कृपया करके हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और बेसिक ऑर्गेनिक के जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए और उस वीडियो को देखिए, वहां पे आप लोग इसके अंग्रेजी इंग्लिश में जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको जान लीजिएगा। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि जब आपको किसी इंसान की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि इस इंसान के बिना काम संभव नहीं है, वो इंसान आपको धोखा दे देगा, ठीक है। इसलिए आप खुद को जो है इतना अच्छा बना लीजिए कि इतना अच्छा कि आप खुद पे खड़े इतना अच्छे से हो जाइए। कहते हैं ना, भरोसा खुद पे हो, आत्मनिर्भरता खुद पर हो, तो कहीं ना कहीं वो काम सफल होने में कहीं से कोई कमी नहीं आती है। इसलिए आत्मनिर्भरता खुद पे बना के रखिए, ठीक है। तो हम लोग कार्बन की अगर एक कार्बन की बात कर ले तो उसको हम लोग मिथ कहेंगे, कार्बन दो की अगर हम बात कर ले तो उसको हम लोग इथ कहेंगे, और कार्बन तीन की हम बात कर ले तो उसे हम प्रोप कहेंगे, कार्बन चार की हम बात कर ले तो उसे हम ब्यूट कहेंगे, कार्बन पांच की हम बात कर ले तो उसे हम पेंट कहेंगे, कार्बन छह की हम बात कर ले तो उसे हेक्स कहेंगे, कार्बन सात की हम बात कर ले तो उसे हेप्ट कहेंगे,
कार्बन 8 की हम बात कर ले तो उसे हम ऑक्ट कहेंगे, कार्बन 9 की अगर बात हम कर ले तो उसे हम नोन कहेंगे, कार्बन 10 की हम बात कर ले तो उसे हम डेक कहेंगे। इसके आगे भी हमें आता है अनडेक डायडेक, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पे केवल और केवल 10 तक। अगर 10 तक आपको आता है तो उसके आगे खुद आप बना लीजिएगा, पहले 10 तक तो सीख लो, उसके आगे तो हम है इसलिए 10 तक सीख लीजिए पहले। अब बात हम करेंगे बॉन्ड की। बॉन्ड के आधार पे हम लोग जो है कार्बन के अगले चेन का नाम लिखते हैं। बॉन्ड के आधार पे कहने का मतलब है, अगर मानिए कि सिंगल बॉन्ड है जिसको हम एकल बंधन कहते हैं, अगर एकल बंधन कहीं है, कार्बन 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 किसमें अगर एकल बंधन कहीं पे है, अगर एकल बंधन कहीं पर है तो हम जानते हैं कि एकल बंधन इस प्रकार का बॉन्ड होता है, केवल एक ही, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड अगर कहीं पे भी ये बॉन्ड है तो हम लोग उस नाम के अंत में जो है ए एन ई लगाएंगे। अगर पूरा के पूरा कार्बन के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लगाएंगे, यानी हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं तो एन का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसे देखिए कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन एक की हम लोग बात करें तो कार्बन एक में जो है, कार्बन एक में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के अंदर, तो हम उसे लिखेंगे मिथेन। क्या लिखेंगे? मिथेन लगेंगे, जैसे सी एच फोर मिथेन का हो गया। ठीक है, एक सूत्र पर ही आधारित होता है, जिस सूत्र को हम लोग बोलते हैं सी एन, यहाँ पर लिख रहे हैं सी एन एच टू एन प्लस टू, ये हमारा एल्केन का सूत्र है। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं, और ये एल्केन के फॉर्मूला पे आते हैं जिसके अंत में हम लोग एन को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो होगा, कार्बन उसमें और हाइड्रोजन के इसमें जो संबंध होंगे, हाइड्रोजन सदैव आपके कार्बन की संख्या के दुगुना से दो अधिक होंगे, जिस इस कंडीशन में उस कार्बनिक यौगिक में, उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखिए, कार्बन अगर हम लोग एक लिए हैं तो हाइड्रोजन हमारा एक का गुना दो, दो हो गया, उसमें दो को जोड़ना है, दो दुना चार हो गया, और जब चार हो गया तो सी एच फोर, और सी एच फोर में मिथ, और इस सब के अंदर जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। तो पहला का बन गया मीथेन। दूसरा देखिए, दूसरा पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, कार्बन दो लेंगे तो दुगुना से दो अधिक करना है, दो दुना चार, दो छे, इसको हम लिखेंगे इथ, और इसमें लगाना एन, हो जाएगा हमारा एथेन। अगर हम कार्बन की संख्या अगर ले ले तीन तो सी थ्री हो जाएगा, और दुगुना से दो अधिक करना है तो ये हो जाएगा आठ, और आठ के लिए होता है, तीन के लिए होता है प्रोप, और प्रोप में लगाएंगे एन प्रोपेन। कार्बन की संख्या अगर हम चार ले ले, चार ले ले तो वो दुगुना से हमें अधिक करना है, चार दुना आठ दो दस, तो हो जाएगा हमारा ब्यूट, और ब्यूट में हो जाएगा एन ब्यूटेन। कार्बन की संख्या हमें पांच लेना है, सी फाइव होगा एच बारह होगा, तो हो जाएगा पेंट, और पेंट में एन लगाना है पेंटेन। कार्बन की संख्या हम ले ले छः, तो हो जाएगा हमारा सी सिक्स एच बारह दुना चौदह, हो जाएगा हमारा, दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा हैक्स, हैक्स में लगाना है एन, हैक्सेन। कार्बन की संख्या अगर हम सात ले ले तो हमारा सी सेवन हो जाएगा, और एच हो जाएगा सात दुना चौदह दो सोलह, तो हम लोग लगाएंगे वहां पे हैप्ट, और हैप्ट में लगाएंगे एन, तो हैप्टेन। कार्बन की संख्या अगर हम आठ ले ले सी एट हो जाएंगे, और उसमें हमें लगाना है आठ दुना सोलह और दो अठारह, इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा ऑक्ट, और जब इस एल्केन के फॉर्मूला पे है तो एन लगाना हमें ऑक्टेन बन जाएंगे। जब कार्बन की संख्या हम लोग नौ लेंगे, नौ दुना अठारह और दो बीस, तो हो जाएगा टोटल बीस, तब हम लगाएंगे इसके अंदर नॉन लिखेंगे, और नॉन में लगाएंगे एन, तो हो जाएगा नॉन एन। फिर अगर कार्बन की संख्या हम लोग 10 ले ले तो 10 का दुना 20 और 20 दू 22, तो हम लोग हो जाएगा इसमें डेकेन। क्या जाएगा हमारा? डेकेन। जब सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड रहे, तो वो जो कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन वो एल्केन कहलाएगा, जिसका फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू होंगे, और उसके नाम के अर्थ में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर बात हम कर ले द्विबंधन का, कि किसी भी दो कार्बन के इसमें कौन सा बंधन हो जाए, द्विबंधन हो जाए, तो उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे, और एल्कीन कहेंगे तो वो डबल बॉन्ड के अंत में जो है इन का हम लोग प्रयोग करेंगे, और इन का प्रयोग करेंगे तो सूत्र ये बनेगा सी एच सी एन और एच टू एन बनेगा, यानी केवल और केवल जो हमारा हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन की संख्या केवल और केवल दुगुना होंगे।
हम बात कर ले पहले कार्बन के लिए, तो पहले कार्बन में हम लोग बॉन्ड को नहीं पुरा सकते हैं। बॉन्ड इसलिए नहीं पुरेगा क्योंकि कार्बन का जो मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड जो बनेगा वो कम से कम 4 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले फर्स्ट कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन के लिए हम लोग एल्किन की बात कर ले, तो C1 और दुगुना करना H2। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कार्बन कितने टोटल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हमारा 4। इसलिए 4 बनाने के कारण जब 4 बॉन्ड नहीं पुरेगा इसलिए पहले कार्बन जो होंगे वो कहीं ना कहीं नहीं बनाएंगे हमारा पहले इन वाला यानी एल्किन वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। दूसरे कार्बन की हम बात कर ले, दूसरे कार्बन में देखिए C2 होगा नहीं और दुगुना करना है H4 होगा, इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, दो कार्बन है इसमें लगाना है इन, तो हो जाएगा इथीन। अगर 3 की बात कर ले तो 3 और इसका दुगुना 6 और 3 का होता है प्रोप, और प्रोप में लगाना है इन प्रोपीन, यहाँ प्रोपेन यहाँ प्रोपीन। आगे बात कर ले 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन में हम लोग C4 करेंगे और 4 × 2 = 8 करेंगे, तो हो जाएगा हमारा ब्यूट और ब्यूट में लगाना इन, हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। अगर बात कर ले 5 कार्बन की तो 5 और दुगुना केवल करना है, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा पेंटीन। और अगर बात हम कर ले 6 कार्बन का तो 6 कार्बन 6 × 12 हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा हेक्सीन या जिसको हम लोग हेक्सीन कहते हैं। बात कर ले हम लोग 7 कार्बन के तो 7 × 2 = 14 हो जाएंगे, और जब 14 हो जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा हेप्टीन, जाएंगे हमारा हेप्टीन। और बात कर ले हम लोग 8 कार्बन का, 8 × 16 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारा ऑक्टीन। हम बात कर ले हमारा 9 कार्बन का तो 9 × 18 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारा नोनीन। बात कर ले हम लोग 10 कार्बन का तो 10 × 20 हो जाएंगे, हो जाएगा हमारा डेकिन। फिर हम लोग बात करेंगे अगले का, अगला जो हमारा होंगे कंपाउंड वो त्रिबंधन वाले होंगे। कौन होंगे हमारे? त्रिबंधन वाले होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। यानी कहीं ना कहीं आपको किसी किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा, किन्हीं दो कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाती है। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और इसके अंत में हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आयन का प्रयोग करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड किसी दो कार्बन के बीच में हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा आयन, और जब आयन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2 हो जाएंगे। पहला तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी घट रहा था, और यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 1 × 2 = 2 और 2 में से 2 गया तो 0, हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोकार्बन होगा नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन होने के लिए हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए यह कंपाउंड जो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हम बात करें 2 के लिए तो देखो C2H 2 × 4 2 घटा लीजिए 2, इसका नाम हो जाएगा इथ और इथ में आयन इथाइल। हम बात कर ले 3 कार्बन के लिए तो C3 और H हो जाएगा 3 × 6 6 में से 2 घटाइए 4, क्या आ जाएगा हमारा? प्रोपाइल। अगर बात कर ले हम लोग 4 कार्बन के लिए C4H 4 × 8 8 में से 2 घटाइए 6, ये हो जाएगा हमारा क्या? ब्यूट, ब्यूट में आइन, ब्यूटाइन। बात कर ले हम 5 कार्बन का C5H 5 × 10 10 में से 2 गया तो 8, इसका आ जाएगा हमारा पेंटाइन, क्या आ जाएगा हमारा? पेंटाइन। अगर बात कर ले हम 6 कार्बन का C6 6 × 12 12 में से 2 गया तो 10, इसका नाम हो जाएगा हमारा हेक्साइन, क्या जाएगा हमारा? हेक्साइन। बात कर ले हम लोग 7 कार्बन का तो हो जाएगा C7 H हो जाएगा 7 × 14 2 में से गया 2 12 हेप्टाइन, क्या जाएगा हमारा? हेप्टाइन। हम लोग बात कर ले 8 कार्बन का तो C8 और 8 × 16 2 गया तो 14 हो जाएंगे और हो जाएगा हमारा ऑक्टाइन। अगर हम बात कर लेगा हम लोग 9 कार्बन का तो 9 हो गया और 9 × 18 में से 2 गया तो हो गया हमारा H16 और ये हो जाएगा हमारा 9। अगर हम बात कर ले 10 कार्बन का तो C10 H में से गया 10 × 20 में से 2 गया तो 18 और ये हो जाएगा हमारा डेकाइन। इसी प्रकार हम लोग जो है फुल रूप से जो है नॉर्मली एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो है नोमेनक्लेचर को जान लिए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, और जब एल्केन है तो एल्केन होता है दुगुना से दू ज्यादा। इस कंडीशन में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। अगर बात हम कर ले डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन का कंडीशन है कि एल्कीन में
दुगुना ही केवल होता है हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है हम लोग जानेंगे इथीन को, प्रोपीन को, ब्यूटीन को, पेंटीन को, हेक्जीन को हम जानेंगे, हेप्टीन को, ऑक्टीन, ऑक्जीन को, ऑक्टीन को हम जानेंगे, नोनीन को हम लोग जानेंगे, डेकीन को। अगर हम बात कर ले एल्काइन का, एल्काइन का मतलब होता है दोगुना से दो कम, दोगुना से दो कम होता है। इस कंडीशन में जो है दोगुना से जब कम होगा दो, इस कंडीशन में हम लोग जो है आयन का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। और इस प्रकार से हमारा हाइड्रोकार्बन का सिंपल नंबर के लेक्चर खत्म होता है। हम लोग अब इसके आगे फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर अंत में, अगर किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंत में अगर OH है तो उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। सिंपल OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो एल्काइल के बीच में अगर O है तो ईथर, और फिर अगर अगर CHO ग्रुप आ रहा है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों अल्काइल के बीच में CO ग्रुप आ रहा है तो कीटोन। नॉर्मली हम लोग पांच के बारे में जानेंगे, पांच के बाद हम लोग धीरे धीरे एसिल हैलाइड को जानेंगे, एमाइड को जानेंगे, एस्टर को जानेंगे, और भी हम लोग अनहाइड्राइड को जानेंगे हम लोग, और धीरे धीरे करते करते और भी सारे बड़े बड़े कंपाउंड का हम लोग नंबर कलेक्चर को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एक बार और इस वीडियो को आप देख लीजिए। मेरा पूर्ण गारंटी है कि ये आपको पूरा वीडियो आपके दिमाग में छप जाएगा और आप इस प्रकार छप जाएगा कि अभी लाइफ टाइम तक लाभ के लिए ये जो कंफ्यूज था वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार और दोबारा देख लीजिए, एक और दोबारा देख के फिर से वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठी के पास, अपने जो भी दोस्त हैं उसके पास आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। कितना का हुआ?